इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है और उसे पॉलिटिकल पार्टियों ने पैसा बनाने में किस तरह दुरुपयोग किया? सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को क्यों बैन किया? इसके जरिए कैसे कॉर्पोरेट घरानों ने, जिस पार्टियों की सरकार है उन पार्टी को पैसा देकर अपना फायदा कैसे कर लिया? इस सब की डिटेल में जानकारी हेतु इस वीडियो पर अंत तक बने रहें। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। सैंटियागो मार्टिन, फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज के MD, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पॉलिटिकल पार्टी को सबसे ज्यादा पैसा देने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने अप्रैल 2019 से जनवरी 2024 तक 1368 करोड़ पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट किया है। मजे की बात यह है कि इनके ऊपर 2023 में ईडी ने कार्रवाई कर 411 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली थी। फिलहाल इनके ऊपर कोई भी ईडी की कार्रवाई नहीं होते दिखी। ऐसे कई मामले सामने आए हैं। सन 2019 में मोदी गवर्नमेंट ने इनके फ्रॉड की जानकारी ईडी को देने के बाद मात्र 10 दिनों में फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स ने 190 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। वह कोई चैरिटी या समाज सेवा के लिए तो जरूर नहीं हो सकते। सीधी बात है कि यह मामला एक हाथ पैसा दो और ईडी से छुटकारा पावो। क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड? क्या मायने रखता है ये सामान्य नागरिक के लिए? सन 2018 में मोदी सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड को शुरू किया। उस समय ये बताया गया कि पॉलिटिकल पार्टियों को जो पैसा मिलता है उसमें बहुत सारा काला धन होता है। इसके उपाय के हेतु इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को बीजेपी सरकार ने सन 2018 में मंजूरी दी। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बड़ी बड़ी कंपनियां तथा उद्योगपति पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसे देते थे। ऐसा करते समय उन कंपनियों के या उद्योगपतियों के नाम सीक्रेट रखे जा रहे थे। इसका फायदा लेकर कुछ कॉर्पोरेट्स अपने को फायदा पहुंचाने हेतु करोड़ों रुपये का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दे रहे थे। इलेक्टोरल बॉन्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ही नकद भुगतान कर खरीदे जाते। उन्हें खरीदते समय खरीदने वाले का KYC डिटेल्स दिया जाता था। जिस पॉलिटिकल पार्टी को वह दिया जाता वह पार्टी उस बॉन्ड को भुनाकर पैसे अपने बैंक अकाउंट में ले लेते और पैसे देने वाले का नाम कहीं भी सामने नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड संविधान के खिलाफ होने का दावा कर IDR तथा एडवोकेट प्रशांत भूषण जी ने चैलेंज किया था। इस पर सुनवाई करते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड संविधान के खिलाफ बताते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना को सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया।